रविवार को आयोजित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतिम दिन भगवान शिव को मंदिर समिति के सदस्यों ने पंचामृत से स्नान करवाया। इसके बाद ब्राह्मणों, यजमानों व भक्तों ने पूर्णाहुति दी और संत अवधेशानंद महाराज ने विधि विधान के साथ शिव पार्वती नंदी को पूरी मंडली के साथ नव निर्मित गर्भगृह में शिवलिंग विराजित किया। इससे पहले पूरे दिन कुंडाचार्यों, यज्ञाचार्यों और पंडितों के द्वारा हवन व मंत्रोच्चारण के साथ विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आयोजित हो रहे थे। कार्यक्रम संयोजक प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि इस पल का प्रत्येक ग्रामवासी को बेसब्री से इंतजार था। महादेव जी की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे गांव में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इस ऐतिहासिक पल को सफल बनाने के लिए राठौर ने समिति सदस्यों के साथ ही ग्रामवासियों का अभिवादन किया। राठौर ने बताया कि आज सोमवार को शिव भक्त लव श्रीमाली की ओर से पूरे मंदिर पर विदेशी पुष्पों को झांकी में सजाया गया। इस अवसर पर समिति की ओर से पूरे गांव में ड्रोन की सहायता से पुष्प वर्षा कर वातावरण को सुगंधित करते हुए भक्तिमय बनाया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सैन ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत भक्तों का पिछले 25 सालों का सपना साकार होते हुए दिखा। सुरेश सैन ने कहा कि 25 साल पहले बेदला नदी में प्रकट हुए भगवान शिव पीपल के नीचे ही विराजित थे, लेकिन अब यह गौरवशाली पल देखने को मिला है। समिति के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा आने वाली पीढ़ियों में भी धर्म और संस्कृति के प्रति नई आस्था व ऊर्जा का संचार होता है। आपको बता दें कि बेदला और आसपास के इलाके में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ, जिसमें लौकिक और वैदिक संस्कृति का विधिवत रूप से समावेश देखने को मिला। इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए सचिव फतेहलाल शर्मा, सह संयोजक चंद्रशेखर गहलोत, पंकज शर्मा, युगल किशोर सेन, मनोज शर्मा, रवि शर्मा, आदित्य सेन, भावेश शर्मा, साहिल जोशी, अमर सिंह डोडिया सहित कई सदस्यों ने दिन रात मेहनत की। इस मौके पर महादेव को 56 भोग भी धराया गया। 56 भोग का व्यंजन गांव के अलग अलग घरों से महिलाएं बनाकर लेकर आए।